हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की, जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं कहता हूं, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी, तो बीज कहां जा सकता है। रश्मि रथी के पिछले सर्ग में आपने सुना कि कर्ण रंगभूमि में अर्जुन को ललकारता है और कहता है कि सस्ता सुयश पाकर फूलना छोड़, और हिम्मत है तो मुझसे टकरा। द्रोणाचार्य भी उसकी ललकार से घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कहीं ये तेजस्वी युवक अर्जुन से संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का मान न छीन ले। कृपाचार्य एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि अर्जुन एक राजपुत्र है, वो किसी सूत पुत्र से कैसे लड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो पहले तुम्हें कोई राज जीतना होगा, राजा बनना होगा। ये सुनते ही दुर्योधन अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सर पर रख देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की अटूट मित्रता आरंभ होती है। रंगभूमि से सब गाते बजाते वापस लौट रहे हैं, लेकिन कुंती के पांव उठाए नहीं उठ रहे। शायद उन्हें आभास हो चुका है कि ये वीर युवक उन्हीं की कोख का बिछड़ा हुआ फूल है। आज मैं आपको रश्मिरथी का दूसरा सर्ग सुनाऊंगा, जिसमें कर्ण और परशुराम का बड़ा मार्मिक चित्र खींचा गया है। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य भी उन्हीं के शिष्य थे। कर्ण जानते थे कि अर्जुन को हराना है तो परशुराम से शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि द्रोण उन्हें सिखाएंगे नहीं, और अगर सिखाया भी तो हो सकता है उनसे भी एकलव्य की तरह गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लें। हार कर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने अपना परिचय एक ब्राह्मण युवक के रूप में दिया। ये पूरा सर्ग कर्ण के इसी झूठ के खुलने की कहानी है। ये कहानी कई सवाल उठाती है और कई बार हमारी आंखों को भिगो जाती है। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्तवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुंडीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मंडरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये स्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड़ विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है।
किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असि की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही, कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते ओ वत्स, पुष्ट कर भोज न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांस पेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वै अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वह रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असि विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वह और अधिक अभिमान हो। रण केवल इसलिए कि वह कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यो ज्यो मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है ये दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वो तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जई यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी,
कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का ये मदांध अधिकारी है, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भू का वह तुम त्रास हरो, नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है, सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने ये कैसा मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है, मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानी के जगते हैं, गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा, पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वो देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो, मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है, नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात, हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहें लाख चाहे खोटे, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्र दंष्ट्र वो लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भंवरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त, पीने दूंगा गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा, बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे,
किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन पड़ी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनू शिष्य मैं कार्त वीर के जेता का, तपो दीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रति बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से कर्ण विकल इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान
में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह, तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिश्रंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। मेरे इस एक तरफा प्यार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, तुम चाह के भी मुझे रोक नहीं पाओगी। ये भी तो एक जज्बा है, जो एक तरफा नहीं है वो प्यार हो ही नहीं सकता।
जिस इश्क को किसी और की रजामंदी चाहिए वो इश्क कमजोर है और इश्क कहलाने लायक नहीं है। एक तरफा प्यार की शान में मेरी दो नज़में सिर्फ आपके लिए। बहुत कुछ लिखा है दिनकर ने, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक है रश्मिरथी। क्यों? क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जॉन के कतात यानी रैंडम शेर हर उस इंसान की जुबान पर है जिसने कभी प्यार किया है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है।